नमस्कार दोस्तों, माय सिंपल गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईपीएफ यानी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन के बारे में। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो हर महीने आपकी सैलरी से ईपीएफ जरूर काटा जाता होगा। हर महीने ईपीएफ के रूप में जो अमाउंट आपकी सैलरी से काटा जाता है उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, कितना परसेंट ईपीएफ काटा जाता है, यानी कि आपके पीएफ अकाउंट में, आपके पेंशन अकाउंट में कितना कितना एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जमा किया जाता है। बहुत सी कंपनीज द्वारा एम्प्लॉई की सैलरी से एक फिक्स अमाउंट यानी कि 1800 रुपए हर महीने पीएफ के रूप में काटा जाता है और कुछ केसेस में ये अमाउंट 12% काटी जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये सारे पॉइंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हर महीने आपकी सैलरी से जो पीएफ अमाउंट काटा जाता है उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, यानी कि कितना अमाउंट आपकी सैलरी से काटा जाता है और कितना अमाउंट आपके एम्प्लॉयर द्वारा आपके पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेना जरूरी है, जैसे कि किसी भी कंपनी द्वारा अपने एम्प्लॉय का पीएफ अकाउंट में रजिस्ट्रेशन कराना कब मैंडेटरी होता है। अगर किसी कंपनी की एम्प्लॉइज स्ट्रेंथ 20 से ज्यादा है तो वहाँ एम्प्लॉइज का ईपीएफ अकाउंट ओपन कराना जरूरी होता है, यानी कि उनकी सैलरी से पीएफ काटना मैंडेटरी होता है। और जिन एम्प्लॉइज की सैलरी 15,000 है या 15,000 से कम है उनकी सैलरी से ईपीएफ काटना मैंडेटरी होता है। ईपीएफ की कैलकुलेशन एम्प्लॉय की सैलरी पर की जाती है जो कि उसकी बेसिक सैलरी प्लस डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस को मिलाकर होती है। दोस्तों प्राइवेट कंपनीज में जनरली डीए नहीं होता है, तो वहाँ बेसिक सैलरी पर ही ईपीएफ कैलकुलेशन की जाती है। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई के पीएफ अकाउंट में बराबर कंट्रीब्यूशन जमा करना होता है, यानी कि जितना पैसा एम्प्लॉई की सैलरी से पीएफ के रूप में काटा जाता है उतना ही पैसा एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई के पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। अब बात करते हैं ईपीएफ कैलकुलेशन की, के कितना कितना पैसा एम्प्लॉई द्वारा और एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई के ईपीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। नॉर्मल केस में एम्प्लॉई की सैलरी का 12% पीएफ के रूप में हर महीने काटा जाता है और एम्प्लॉयर द्वारा भी अपनी तरफ से एम्प्लॉई की सैलरी का 12% एम्प्लॉई के पीएफ अकाउंट में जमा कराना होता है। लेकिन एम्प्लॉयर की सैलरी का 12% दो अकाउंट में जमा किया जाता है, ईपीएफ और ईपीएस में। ईपीएफ यानी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉई की सैलरी का 3.67% जमा किया जाता है और ईपीएस यानी एम्प्लॉई पेंशन स्कीम में एम्प्लॉई की सैलरी का 8.33% जमा किया जाता है। तो 12% एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस 12% एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, टोटल 24% एम्प्लॉई के पीएफ अकाउंट में हर महीने जमा किया जाता है। दोस्तों अगर किसी कंपनी की एम्प्लॉई स्ट्रेंथ पहले 20 से ज्यादा थी और बाद में 20 से कम हो जाती है तो उस केस एम्प्लॉई की सैलरी का 10% काटा जाता है और एम्प्लॉयर द्वारा भी एम्प्लॉई की सैलरी का 10% जमा किया जाता है। एम्प्लॉयर के 10% में इस बार ईपीएफ में 1.67% जमा किया जाता है और ईपीएस की परसेंटेज फिक्स रहती है, यानी कि 8.33% जमा किया जाता है। दोस्तों जनरली मैक्सिमम कंपनीज द्वारा 12+12% वाला ऑप्शन ही अप्लीकेबल होता है, यानी कि 12% एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन और 12% एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ही अप्लीकेबल होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बहुत सी कंपनीज द्वारा एम्प्लॉई की सैलरी से एक फिक्स अमाउंट यानी कि 1800 रुपए हर महीने पीएफ के रूप में काटा जाता है और कुछ केसेस में ये अमाउंट 12% काटी जाती है। ऐसा क्यों होता है, दोस्तों ऐसा इसलिए होता है अगर एम्प्लॉई की सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है तो उस कंडीशन में ये ऑप्शनल होता है कि एम्प्लॉई अपनी सैलरी से ईपीएफ कटवाए या ना कटवाए। अगर एम्प्लॉई की सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है और वो अपनी सैलरी से पीएफ कटवाना चाहता है तो इसकी ईपीएफ कैलकुलेशन 15,000 रुपए पर ही की जाती है, यानी कि 15,000 रुपए का 12% यानी 1800 रुपए एक फिक्स अमाउंट पीएफ के रूप में उसकी सैलरी से हर महीने काटा जाता है और उतना ही अमाउंट यानी कि 1800 रुपए एम्प्लॉयर द्वारा भी हर महीने एम्प्लॉई के पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है, जो कि ईपीएफ अकाउंट में 3.67% और ईपीएस अकाउंट में 8.33% जमा किया जाता है। दोस्तों आई होप आपको ईपीएफ कैलकुलेशन को लेकर सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर आपके ईपीएफ कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बाकी रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।